गाइस, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे किचन में आंगन में कैसे फिश अमृतसरी को मैरिनेट करते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच। सो यू कैन फॉलो अस एंड मेक द सेम काइंड ऑफ रेसिपी इन योर हाउस एज वेल। लेट्स बिगिन मेकिंग द फिश अमृतसरी। तो फिश अमृतसरी बनाने के लिए हमें दो प्रोसीजर्स, दो स्टेप्स में बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप विल बी द फर्स्ट मैरिनेशन ऑफ फिश, और सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे अपने फिश अमृतसरी का बैटर। फर्स्ट स्टेप, हमने फिश ले लिए, हमारे पास बासा फिश ये फिले हैं जिनको हमने छोटे स्क्वायर क्यूब्स में काट लिया। शुरू करते हैं, हमारे को फर्स्ट मैरिनेशन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारा लगेगा सॉल्ट, और जाएगा हमारा चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला जो हमारा खुद का बना हुआ होममेड गरम मसाला है, थोड़ा सा अजवाइन, ये बहुत ज़रूरी है अजवाइन, और अगर आपको धनिया के फ्रेश धनिया के बीज का स्वाद पसंद है तो आप इसको भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है फाइनल प्रोडक्ट में, तो ये भी आप ऐड करें। और जाएगा हमारा जिंजर गार्लिक, और जाएगा अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा लेमन जूस, ये अब हम इसको जेंटल मसाज कर देंगे जिस जो इस फिश के ऊपर ये सारा फर्स्ट मैरिनेशन लग जाएगा। तो ये हमारा फिनिश हो गया है हमारी फर्स्ट मैरिनेशन। गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड मैरिनेशन की तरफ जो कि है हमारा बैटर। तो इस स्टेज पे हम अपना बैटर बनाएंगे। लेट्स बिगिन मेकिंग आवर बैटर। तो बैटर में पहले हमारा आ रहा है बेसन, चिक पीस फ्लावर, ये हमने चिक पीस फ्लावर डाल दिया, ये आया हमारा राइस फ्लावर, और ये आया हमारा कॉर्न फ्लावर। और थोड़ा सा हमारे इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, टच ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्की सी अजवाइन, फिर से ये वापस डाल रहे हैं मगर बहुत कम, और थोड़ा सा धनिया और पुदीने का पत्ता। ठीक है, अब हम इसमें जो डालेंगे वो है हमारा पानी। तो हल्का सा बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाना है, हमें कोई पतला बैटर नहीं बनाना, हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। इस स्टेज पे कलरिंग के लिए हम थोड़ा सा हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। इस देगी मिर्च को अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो उससे हमारा रेड कलर आता है। ये हमारा बन गया एक बैटर जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब आपको बाद में पता पड़ेगा कि ये इतना गाढ़ा क्यों बनाया गया है। अब इस स्टेज में हमारा बैटर रेडी है जो कि आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा है। इस स्टेज में हम इसको बैटर को यहाँ से उठा के अपनी फिश के ऊपर कंबाइन करेंगे। क्यों हमने बैटर को गाढ़ा रखा, उसका रीज़न ये है क्योंकि फिश को हमने फर्स्ट मैरिनेशन किया था, जैसे आपको सबको पता है हमने फर्स्ट मैरिनेशन किया था, उसमें सॉल्ट डाला था, उसके अंदर लेमन डाला था, तो इस वक्त फिश को बैठे हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो फिश अपना पानी छोड़ेगी। अगर हमने बैटर को पतला बनाया शुरू में तो फिश में सिर्फ पानी पानी रह जाएगा और बैटर चिपकेगा नहीं। दैट्स वाई वी नीड ए वेरी थिक बैटर, तभी हमारी फिश अमृतसरी के ऊपर कोटिंग होगा, नहीं तो ये कोटिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि फिश को अच्छी तरह से कोटिंग आ गया है, ना हमें इससे कम चाहिए और ना हमें इससे ज़्यादा चाहिए, दिस इज द परफेक्ट कोटिंग। अभी फिश को हम फ्राई कर रहे हैं, तो जब आप फिश को फ्राई करें जस्ट मेक श्योर कि फिश को थोड़ा सा हाफ डिप करके और फिर डालें, बी केयरफुल, आप अपना हाथ इससे थोड़ा सा संभाल के ऑयल से थोड़ा सा दूरी बना के और ये एक एक करके फिश डालें, थोड़ा सा ऐसा चुप ले लें। तो गाइस, हमारी अमृतसरी फिश रेडी है सर्विंग के लिए, और अब हम इसको प्लेटिंग करने जा रहे हैं। आपको प्लेटिंग करने के टाइम पे मैं एक टिप दे देता हूँ, जब भी आप इस फिश अमृतसरी को बनाएं इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अच्छी तरह टाइम देके आराम से एक एक स्टेप को फॉलो करें। किसी भी चीज़ में आप ज-
जल्दबाजी करेंगे या फिर शॉर्टकट मारेंगे तो ये वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें हमने एक लेमन लगा दिया, दो हमने इसमें मूली के पीस लगा दिए, ग्रीन चिली लगा दी, आप चाहे तो कुकुम्बर भी दो लगा सकते हैं इसमें। अब हमारी फिश अमृतसर रेडी है। मैंने जो आपको रेसिपी दी है एग्जैक्टली सेम है जो हम आंगन में करते हैं और अपने शेफ्स को इन्हीं चीज़ों में ट्रेन करते हैं। मकसद इसका ये है आपको देने के लिए कि अगर आप घर पे बनाना चाहें तो यू कैन मेक इट द सेम वे। अगर फिर भी आपसे बनाने में मुश्किल आती है देन आंगन आपके आसपास ही है, डू विजिट अस फॉर टू ट्राई दिस अमृतसरी फिश।